सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का फिर से एक स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस्मान गाजी द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर, इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं और हिंदी में उस्मान गाजी के नाम से सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, जो सन 1299 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध तक चला। लगभग तकरीबन 600 सालों तक राज करने वाला, ये तकरीबन 56 मुल्कों पे इनका राज था। दोस्तों एक कबीले का लड़का, एक छोटा सा मामूली सा कबीले का लड़का, जो मंगोलियन चंगेज़ खान यानी चाइनीज़ चाइना के पास जो है मंगोल देश है, वहाँ पे उस ज़माने में आज से 800 साल पहले चंगेज़ खान नामक एक क्रूर शासक ने पूरा तबाही मचा दिया था। वो जहाँ भी जाता चारों तरफ कत्ले आम मचा देता दोस्तों, और उसी वजह से पूर्वी एशिया में उस्मानी ख़ानदान रहते थे, जिनके नाम उनके पापा का नाम इर्तुगरुल गाजी, इर्तुगरुल गाजी के पापा सुलेमान शाह इर्तुगरुल गाजी मंगोलों से बचकर, मंगोल चारों तरफ तबाही मचा चुके थे क्योंकि उनकी जनसंख्या काफ़ी थी और वो जीतने के लिए लड़ते नहीं थे बल्कि मारने के लिए, सफाई करने के लिए, पूरा शहर को आग लगाने के लिए ही, इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए ही आक्रमण करते थे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं सल्तनत उस्मानिया, जो एक मंगोल से बचकर एक कबीले का एक छोटा सा लड़का किस तरह से 56 देश का बड़ा साम्राज्य बना देता है, जो तकरीबन 1299 से लेकर के 1918 तकरीबन 600 साल तक इस 56 मुल्कों में, 7 बर्रे आज़मों में 56 मुल्कों में उनका रियासत फैल जाता है और उनका तकरीबन 600 साल तक उनका शासन चलता है। उस्मान इर्तुगरुल गाजी के पहले बेटे का नाम, ये तीसरे बेटे का नाम है, पहला बेटा गुंदुज, दूसरा बेटा साकी, तीसरा बेटा सो उस्मान था जो छोटा था, लेकिन उनमें काबिलियत थी, उन्होंने ही सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना गया, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना गया। एक्चुअली इसका जो न्यू फाउंडर जो है वो काफ़ी हद तक जो एरिया को उनको बनाने के लिए बेसिक तैयार सा, एक सुल्तान बनने के लिए जो बेसिक चाहिए दोस्तों, उसको उसके लिए इर्तुगरुल गाजी ने इर्तुगरुल गाजी जो कि उस्मान गाजी के पापा हैं, उन्होंने बेसिक तैयार किया, एक काफ़ी सारे किला, कम 5-6 किला और 5-6 शहर को जीत करके एक बड़ा सा कबीले से लेकर के वो काफ़ी बड़ा सा एक छोटा साम्राज्य के रूप में तब्दील इर्तुगरुल गाजी ने ही कर दिया था। लेकिन वो 6 के बाद में उस्मान गाजी ने उस 6 शहर से लेकर के 60 शहर तक जीत गया, जिसमें बड़े बड़े किले आते हैं इनगोल, यार हिसार, गुरु हिसार, इजनिक, बुरसा, ये उनकी बड़ी बड़ी फतेह हैं जो बाद में बन गए, सल्तनत बन गया और वो सुल्तान बन गया। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में, उस्मान गाजी की कंप्लीट डिटेल्स, जो बहुत ही कम और बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा इस एक वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, तो अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो पार्ट 2, ये दो वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सल्तनत उस्मानिया कब स्टार्ट हुआ, कब तक चला, कैसे चला, आइए हम जानते हैं दिलचस्प। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे उस्मान बे यानी सल्तनत उस्मानिया के खलीफा और प्रथम सुल्तान उस्मान बे इर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, उनके दादा का नाम सुलेमान शाह था। इनका उस्मान बे का जन्म 1258 ईस्वी में हुआ था। बे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि तुर्की भाषा में बे एक सरदार को बोला जाता है। तो उस्मान बे का जन्म 1258 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1326 ईस्वी में हुआ था। उनके उस्मान भाई लोग तीन भाई थे, बड़े भाई का नाम गुंदुज, छोटे मंझले वाले साबशी और तीसरे में उस्मान बे था। उस्मान सबसे छोटा बेटे थे। उनके ससुर का नाम शेख अदब अली जो कि एक वली थे, वो यूनुस एमरे, ताब्तुक एमरे, गौसे आज़म के ज़माने से कुछ बाद के वली हैं, जो इनका मज़ार आज भी तुर्की में है, आप देख सकते हैं। दोस्तों उस्मान बे को जब इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उस्मान बे को होनहार, ईमानदार और सबसे ताकतवर और दिमाग वाला होने के लिए, इनको सबसे छोटे बेटे होने के बावजूद इनको कबीले का सरदार चुन लिया गया, और कबीले के सरदार बनने के बाद इनको दोस्तों हमेशा ये लोगों की भलाई करते थे, मजलों चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हमेशा अदल और इंसाफ करते थे। तो इस तरीके से ये इनको एक दिन सपना आता है, सपने में ये देखते हैं 4 पहाड़, 4 समुंदर और एक गाय, इनके ससुर शेख अदब अली के सीने से एक रोशनी निकलता है जो उस्मान गाजी के सीने में आ जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा गाछ निकलता है और गाछ फैलते ही जाता है और इतना फैलता है और उसका इतना जोर हवा आता है कि गाछ का जो पत्ता का रुख है, दो बड़े समुंदर आपस में मिलते हैं वहाँ तक वो उसका मतलब पहुँच हो जाता है और वो एक
अंगूठी के आकार में आता है वो ज़मीन, और वो उसको आसमान पे पहनना चाहते हैं, वैसे ही उनका सपना टूट जाता है। इस ख्वाब की ताबीर उस्मान भाई ने कराई तो शेख अदब अली अपने ससुर को बताया, तो शेख अदब अली जो वली थे उन्होंने फरमाया कि आपको क्या, आपके आने वाले सल्तनत, आप सुल्तान बनने वाले हैं और आने वाले सल्तनत आपकी बहुत सालों तक और कई बड़े 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 जगहों में, कई बड़ी बड़ी महाद्वीपों में, द्वीपों में, पहाड़ों में, जंगलों में और समुद्रों में आपका राज होगा। तो वो चार बड़े बड़े जो पहाड़ उन्होंने सपने में देखे थे वो थे पहाड़े दजला, पहाड़े फौराद, पहाड़े नील और दिनियो। ये दरिया है दोस्तों, दरियाए दजला, दरियाए फौराद, दरियाए नील, दरियाए दिनियो, ये चारों दरिया पे उनका राज हुआ। और उसके बाद उन्होंने चार पहाड़ देखा था अपने सपनों में, तो चार पहाड़ हैं कोहे बलकान, कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अटलास, और शहर भी एक अपने ख्वाब में देखा जो शहर कुस्तुनतुनिया है, जिसका हमारे सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी कि हम एक आने वाले समय में, पेशनगोई किया था कि आने वाले समय में तो जो रोमन एम्पायर का सबसे हेड क्वार्टर है हुजूर पाक के ज़माने में कुस्तुनतुनिया था, जो आज के समय में इस्तांबुल तुर्की में है, वो कुस्तुनतुनिया शहर एक दिन ज़रूर फतह होगा, जो कि रोमन साम्राज्य का कैपिटल यानी राजधानी हुआ करता था। उस्मान बेग के छठी औलाद यानी छः नंबर के जो औलादों में से हैं आने वाले सुल्तान जो हैं छठे नंबर के, उनके नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातह है। उन्होंने सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया को फतेह कर हुजूर पाक की पेशनगोई को कम्प्लीट कर दिया और उस्मान बेग के ख़ानदान को नाम में चार चांद लगा दिए। और उस्मान बेग जो सोगुत शहर में ही इनका जन्म हुआ था, इस तरह से इनके पापा के वफात के बाद उस्मान बेग ने इर्तुगरुल गाजी का जो साम्राज्य था वो 5-6 शहर जीत चुके थे इर्तुगरुल गाजी, और उसको संभालने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार थे, और इस तरह से साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये मजलूमों को, उनको बचाने के लिए लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स रोमन एम्पायर ने कर दिया था, मजलूमों पर अत्याचार करते थे, उस तरह से वो उन लोगों की हिफाजत के लिए लोगों के बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर के बहुत सारे गाँव, बहुत सारे शहर को लगातार इन्होंने जीत अपने फतह नसीब की और उस्मान बेग लगातार जीतते गए। इस तरह से उस्मान बेग का सल्तनतों में लगातार वृद्धि होती गई। यही सब देखकर सुल्तान उस समय के सलजुक सुल्तान, जो कि मुसलमान सल्तनत तुर्की में चल रहा था लेकिन कमज़ोर हो गया था, वो उस्मान बेग की इतनी अच्छी माने चालाकी, ईमानदारी और बहादुरी देख करके वो उस्मान बेग को ऑर्डर दे देते हैं कि उस्मान आप अपने नाम का सिक्का छाप सकते हैं और अपने नाम का एक साम्राज्य, एक विरासत, एक रियासत बना सकते हैं। तो उस्मान बेग ने सन 1299 में इनोगोल किला निकोला को हरा कर, इनोगोल किला जो कि बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ा शहर है, उसको जीतने के बाद 1299 में सल्तनत उस्मानिया का ऐलान कर दिया, और सल्तनत उस्मानिया लगातार बढ़ते रहा। फिर उसी तरीके से 1299 में सल्तनत उस्मानिया बनने के बाद 1301 ईस्वी में दोस्तों 1301 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने अपने बहुत सारे किला और शहरों को जोड़ करके, जैसे कि अदनान, अदका, मदाना, मनूस, कस्ता, विरासत, ये सब लोगों, सब शहर को जोड़कर, बुरसा, ये सभी को जोड़ करके उस्मान बेग पे एक साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। लेकिन उस्मान बेग का बहादुरी, ईमानदारी देख करके बहुत सारे कबीले के लोगों, उस्मान बेग की बहादुरी देखकर बहुत सारे तुर्की कबीले के लोग उस्मान बेग का साथ देने के लिए, रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए उनके साथ चले आए, और इस तरह से उस्मान बेग का ताकत भी लगातार बढ़ता रहा। उस्मान बेग की शादी दो महिलाओं से हुआ था, पहली बीवी का नाम बाला हातून और दूसरी बीवी का नाम मालून हातून है। बाला हातून शेख अदब अली की बेटी, जो वली थे उनकी बेटी थी दोस्तों, और उन्हीं से उनको एक औलाद अलाउद्दीन हुए थे, और उनका बड़ा बेटा मालून हातून से दूसरी बीवी से हुए थे जिनका नाम ओरहान गाजी है, वो भी गाजी रह चुके हैं। तो उस्मान गाजी के बाद उनका बड़ा बेटा यानी मालून हातून दूसरी बीवी से जो पैदा हुए थे वो ओरहान गाजी थे, वही बाद में सुल्तान बने, और उनका भाई जो थे अलाउद्दीन यानी उस्मान बेग के दूसरा बेटा अलाउद्दीन, वो सल्तनत उस्मानिया के पहले प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ही दोस्तों इतिहास में पहले फौजी भर्ती का नियम चालू किया, और ड्रेस का नियम, कोड ड्रेस कोड का नियम, और उनका पेंशन का नियम भी अलाउद्दीन सुल्तान का हमेशा साथ देते थे। अलाउद्दीन उनके भाई होते हुए उनका पहला प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया करते थे। इस तरह दोस्तों वक्त गुजरता रहा और बाइजेंटाइन एम्पायर कमज़ोर होता रहा, और बाइजेंटाइन धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो गया कि वो अपने आप को बचाने में लगा रहता था। बहुत सारे
मंगोलियन नोयन कमांडर भी उस्मान बे से लड़ने के लिए आया करते, लेकिन हमेशा वो हार का सामना करना पड़ता। बुरसा इजनिक हरमन काया इनोगोल कारा हिसार यार हिसार ये सब उस्मान बे ने अपने बहादुरी और तेज दिमाग के बदौलत जीता। सुल्तान अलाउद्दीन खास बंदे सुल्तान अलाउद्दीन जो कि सलजुक सल्तनत के थे, जो कमज़ोर हो चुका था, सुल्तान अलाउद्दीन समझ चुके थे कि उनका सल्तनत अब टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने उस्मान बे को खूब सपोर्ट किया और उनको हर तरह से हर युद्ध में सपोर्ट करते थे। तो काटा लक्का खिसार करा हिसार काबूका अक्रोमस ये सब जो है मुस्लिम सही शहर जो हैं सब बाइजेंटाइन एम्पायर थे और इनके बाइजेंटाइन के लोगों के द्वारा ही ये चलाया जा रहा था, लेकिन उस्मान बे का अदल इंसाफ देकर इन सारे शहरों के कमांडर जो कि रोमन थे वो सारे के सारे लोग अदल इंसाफ उस्मान बे का तरीका देकर सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाते थे। उस्मान बे का वसीयत जो था वो बहुत इस्लाम का अपने बच्चों को बोल कर गए थे कि इस्लाम का खादिम बने रहना, मजबूर का हमेशा साथ देना, जालिमों का पे जुल्म करना और जो बेगुनाह है उन पे कभी अदल और इंसाफ से काम लेना और ईमानदारी हमेशा बरकरार रहना। तो इस तरह दोस्तों उस्मान बे ने सन 1326 ईस्वी में बुरसा जो बहुत बड़ा शहर जो कि रोमन एम्पायर का कमर था उसको जीत करके रोमन एम्पायर का कमर तोड़ दिया उस्मान बे ने। और इसके बाद और उस समय बुरसा फतेह के टाइम सन 1326 ईस्वी में उनके बड़े बेटे जो थे वो हान गाजी वो काफ़ी बड़े हो गए थे और उन्होंने ही कमांडर का काम संभाला था वो बुरसा फतेह में। और बुरसा के फतेह के न्यूज़ मिलते ही उस्मान बे का वफात हो जाता है, लेकिन उससे पहले उस्मान बे का जो बेटा है अलाउद्दीन पाशा उनको पाशा का टैग दिया गया है, मतलब लकब से नवाजा गया। अलाउद्दीन बहुत ही तेज़ दिमाग के थे क्योंकि उनकी गाइडेंस उनकी जो तालीमात है एडुकेशन वो शेख अदब अली के नज़र में हुई है और उस्मान बे का सल्तनत जो था इतना बड़ा था कि उसको 619 साल तक ये शासनकाल चलता रहा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा शासनकाल चलने वाला में से एक माना जाता है। उस्मान बे के अंदर सल्तनत में काफ़ी देश आया करते हैं जिनको यहूदियों ने यूरोप और अमेरिका ने मिलकर प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1918 से 1922 में इसे ख़त्म कर दिया। जब इस सल्तनत को तोड़ा गया दोस्तों तो इस सल्तनत से बहुत सारे छोटे छोटे देश टूट कर निकले, जैसे उन देशों का नाम बता रहा हूँ मैं, अखबाजिया अल्बानिया अल्जीरिया आर्मेनिया ऑस्ट्रेलिया अजरबैजान बहरीन बोस्निया और हर्ज़ेगोविना बुल्गारिया क्रोएशिया साइप्रस मिस्र इरिट्रिया जॉर्जिया यूनान हंगरी ईरान इराक इजराइल जॉर्डन कोसोवा कुवैत लेबनान लीबिया मैसेडोनिया मालडोवा मोंटेनिग्रो नारगोन काराबाख उत्तरी साइप्रस ओमान फिलिस्तीन कतर रोमानिया रूस सऊदी अरब सर्बिया स्लोवाकिया सोमालिया सोमाली देश दक्षिणी ओसेतिया सूडान सीरिया ट्यूनिशिया ट्रांसनिस्ट्रिया तुर्की संयुक्त अरब अमीरात यूक्रेन और यमन ये सारे के सारे देश दोस्तों उस्मान बे के सल्तनत में शामिल थे। एक छोटा सा कबीला का लड़का इतना बड़ा सल्तनत का वारिस बन इतना बड़ा सल्तनत का रखवाला बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ज़रूर उस्मान बे में वो बात थी, वो खुदाई बात थी, वो ईमानदारी थी, वो उनमें वो हर चीज़ था जो एक खुदा एक नेक बंदे में एक नेक बादशाह में देखना चाहता है। इसी वजह से उनको अल्लाह ने इतने सारे रियासत से उन्हें नवाजा था दोस्तों। तो सलजुकों का पतन हो गया था पश्चिमी अनातोलिया में। अर्तुगरुल एक तुर्क प्रधान था एक समय, वो जब एशिया के माइनर पर कूच कर रहा था तो अपनी 400 घुड़सवारों की सेना को भाग्य की कसौटी पर आजमाया। उसने हारते हुए पक्ष का साथ दिया और युद्ध जीत लिया। दोस्तों ये बात उस दौरान की है जब चंगेज़ खान चारों तरफ से दाहिने तरफ यानी चाइना की तरफ से खदड़ते हुए मुसलमानों को लेकर आ रहे थे, उनको तबाह बर्बाद कर दे रहे थे, तब और बाएं तरफ से रोमन एम्पायर यानी जो क्रिश्चियन के हैं वो लोग यूरोप वाले लोग वो बाएं तरफ से मुसलमानों को खदेड़ रहे थे, यानी मुसलमानों दाएं और बाएं दुनिया के बीचों बीच फंस गए थे, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। उस समय एक ऐसा जाबाज एक ऐसा योद्धा का बहुत ज़रूरत था मुसलमान मुस्लिम के लिए। जो तो अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह उस ज़माने में अनातोलिया आकर बस गए क्योंकि पूर्वी एशिया में चारों तरफ त्राही माम मचा हुआ था। चंगेज़ खान के लोग जो क्रूर सत्य शैतान के पुजारी लोग जो इंसानों का खून चूसा करते थे वो तबाह कर दिया कर रहते थे गांव के गांव। तो इस तरह से बचे कुछ तुर्क कबीले अनातोलिया की तरफ जाकर बस गए और अनातोलिया जब बसने जा रहे थे तो अर्तुगरुल गाजी और सुलेमान शाह उस समय उस्मान बे काफ़ी छोटे थे और उस समय उन्होंने देखा
एक दो ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, दो ताकतवर मतलब जंग के लोग, एक तरफ सैनिक, दोनों तरफ सैनिक भरे हुए हैं, तो उन्होंने कमज़ोर एक तरफ का पक्ष जो कमज़ोर था एर्तुगरुल गाजी ने उनका साथ दिया। बाद में पता चला जो कमज़ोर पक्ष थे वो सलजुक सल्तनत के सिपाही थे, तो उनकी मदद करने से सलजुक सल्तनत जो कि मुसलमान सल्तनत है वो एर्तुगरुल गाजी की इस मदद से काफ़ी खुश हुआ। और उस समय के बादशाह सलजुक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ने एर्तुगरुल गाजी को एक अनातोलिया में एक ज़मीन का टुकड़ा दिया और उस पर बसने का इजाज़त दे दिया। इस तरह से वहाँ से शुरुआत हुई। एर्तुगरुल गाजी ने एक छोटे से ज़मीन से शुरुआत करके काफ़ी सारा के शहर आसपास का 5-6 राज्य को जीत करके, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के कब्जे में था, रोमन एम्पायर के कब्जे में और मंगोलियन के कब्जे में जो आया करता था, उस कब्जे वाली ज़मीन को छुड़ाकर उसे आज़ाद बना दिया एर्तुगरुल गाजी ने। और उसके उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उस्मान बे ने अपने पापा के हर विरासत को डबल त्रिबल और 7 गुना ज़्यादा फैला दिया। और उस 7 गुना ज़्यादा फैलाए हुए सल्तनत को उनके बेटे ओरहान गाजी ने 70 गुना ज़्यादा फैला दिया। और इस तरह से दोस्तों 600-1900 साल तक चलता रहा सुल्तान है तो उस्मानिया। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि उस्मान गाजी को एक सपना आया था, 4 पहाड़, 4 नदियाँ, 4 दरिया, 4 समुंदर और इतना बड़ा साम्राज्य। तो वो दोस्तों तो बहुत बड़ा साम्राज्य का जो सपना आया था वो उनको ज़रूर पूरा हुआ, ये हम देखते हैं। इतिहास हमें ये बताता है कि उनका जो ख्वाब का ताबीर था, जो उनके वली ससुर जो थे उन्होंने जो ख्वाब की ताबीर की थी वो एकदम सच साबित हुआ। और बाद में इतने बड़े सल्तनत के सुल्तान बने कि जो आज भी इतिहास में इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया 1918 से 1922 में ख़त्म हो गया दोस्तों। उनके वंशज आज भी हैं लेकिन उनको तुर्की से निकाल दिया गया था। यहूदियों का एक ऐसा चाल था जो सल्तनत जो इनके अंदर में 56 देश आया करते थे उन्हीं के वंश को आज 1918 से 1922 के अंदर में तुर्की से देश बदर कर दिया गया। और वो आज भी यूरोप और फ्रांस और इटली और पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो तुर्की में नहीं रह रहे हैं दोस्तों, उस्मान बे के साथ ही। आपको अगर उनके वंशज के बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं, और मुझसे क्या अच्छा लगा हो इस वीडियो में, क्या ख़राब लगा हो वो भी कमेंट्स करके बताएं। मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों ऐसे ही। अगर आपको दिलचस्प, अगर आपको ये वीडियो, ये हिस्ट्री रोचक तथ्य उस्मान गाजी और भी अच्छा लगा हो, तो और भी ऐसे हिस्ट्री जानना है तो यहाँ पर आपका एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और यहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसको लाइक कर दीजिए। यहाँ शेयर होगा, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी बातें हैं, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह मैं आते रहूँगा, मिलता रहूँगा और आप लोगों को इस्लामिक से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज की बातें बताता रहूँगा। इतनी देर देखने के लिए मेरे चैनल को दिल से धन्यवाद। तब तक सलाम, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।